ह्यूस्टन में ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया। हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 वर्ष से देश के लिए चुनौती बने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक निर्णय किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के एक वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। और हमीरपुर में सदर विधानसभा में उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्वक जारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के किए गए हैं चाक चौबंद व्यवस्था। 1 बजे तक 25% तक हुआ मतदान। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के टेक्सास राज्य का ह्यूस्टन शहर कल ऐतिहासिक पल का गवाह बना। दो महाशक्तियों के नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनआरजी स्टेडियम में मौजूद 50,000 से ज्यादा लोगों के बीच भारत और अमेरिका की प्रगति को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा किया तो परस्पर विकास के दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी का भी जिक्र किया। हाउडी मोदी कार्यक्रम के मंच से दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया। अमेरिका भर से विश्व की ऊर्जा राजधानी ह्यूस्टन पहुंचे हजारों भारतवंशियों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कड़े कदमों की चर्चा की तो ये भी बताया कि कैसे देश न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है, इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारियों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है।
मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। इस 2 अक्टूबर को जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाएगा तो भारत ओपन डेफिकेशन को फेयरवेल दे देगा। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि। और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। हमारे लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है उतना ही ईज ऑफ लिविंग का भी, और उसका रास्ता है एम्पावरमेंट। जब देश का सामान्य मानवी एम्पावर होगा तो देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। डेटा इज द न्यू गोल्ड। इंडस्ट्री फॉर 4.0 का तो सारा फोकस ही डेटा पर है। अगर पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्ध है तो वो देश है भारत। इस अपार जनसमूह की उपस्थिति केवल एरिथमेटिक तक ही सीमित नहीं है, एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार भारत आए। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की स्पष्ट तस्वीर साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की भी नई झलक दिखाई दी। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका एनआरजी स्टेडियम में मौजूद 50,000 से ज्यादा भारतवंशियों और दुनिया भर के करोड़ों लोगों को बेसब्री से इंतजार था। विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र के राष्ट्रपति और सबसे विशाल लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने जब मंच पर कदम रखा तो उत्साह नए चरम पर था। विश्व के दो दिग्गज नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी से पूरा माहौल जबरदस्त ऊर्जा और जोश से सराबोर दिखा। जब युवा ऊर्जा से भरपूर स्पर्श ने राष्ट्रगान की शुरुआत की तो राष्ट्रभक्ति और अपनी मातृभूमि के प्रति भारतवंशियों के प्रेम का भाव स्पष्ट नजर आया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का मंच पर स्वागत किया। पीएम ने कहा कि ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बतौर उम्मीदवार राष्ट्रपति ट्रंप का नारा अब की बार ट्रंप सरकार सही साबित हुआ। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपने परिवार यानी भारतवंशियों से रूबरू कराया। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैड इंट्रोड्यूस्ड मी
टू योर फैमिली इन 2017 एंड टुडे आई हैव द ऑनर टू इंट्रोड्यूस यू टू माय फैमिली। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व को सराहा, जिसकी नीतियों से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। Under Prime Minister Modi's leadership, the world is witnessing a strong, sovereign and thriving Republic of India. In a single decade, with the help of Prime Minister Modi's pro-growth reforms, India has lifted nearly 300 million people out of poverty, and that is an incredible number. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विकास यात्रा में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू मेक आवर नेशंस इवन मोर प्रॉस्परस देन एवर बिफोर। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी देश का नाम लिए आतंकवादियों को पनाह देने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। ह्यूस्टन के मंच से उन्होंने जब सुरक्षित सीमाओं की बात की तो इस बारे में अपनी सीमाओं की रक्षा के भारत के अधिकार को भी बल मिला। Today we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. We are going to take care of our citizens first. We are going to take care of our Indian American citizens before we take care of illegal immigrants that want to pour into our country. भारत में एनबीए मुकाबलों की शुरुआत के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने हल्के फुल्के लहजे में पीएम मोदी से कहा कि हो सकता है कि वो फुटबॉल देखने मुंबई पहुंच जाएं। नेक्स्ट वीक थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल गैदर इन मुंबई टू वॉच द फर्स्ट एवर एनबीए बास्केटबॉल गेम इन इंडिया। एम आई इनवाइटेड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आई मे कम, बी केयरफुल, आई मे कम। हाउडी मोदी के मंच पर पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राजनीति के कई अन्य दिग्गज भी नजर आए। सांसदों और कई राज्यों के गवर्नर समेत 23 नेता इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश भर में फैले विशाल भारतीय समुदाय तक पहुंच बनाने का अमेरिकी राजनीतिक दलों और नेताओं के पास ये बेहतरीन मौका था। टेक्सास रैंक्स एज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द यूएस राइट बिहाइंड कैलिफोर्निया। But for as deep as our economic ties are, our cultural ties are stronger. The father of Indian independence, Mahatma Gandhi, whose 150th birthday we mark on October 2nd, once defined democracy as, and I quote Mahatma Gandhi, something that gives the weak the same chance as the strong. That, my friends, at its heart is what the ideal of American democracy and Indian democracy are all about. प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम में मौजूद लोगों से राष्ट्रपति ट्रंप को स्टैंडिंग ओवेशन देने का भी आह्वान किया। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप को भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। एनआरजी स्टेडियम में मौजूद जन सैलाब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती की खास झलक का गवाह भी बना। दोनों नेताओं ने स्टेडियम का चक्कर लगाया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और सैन होजे के बाद अब हाउडी मोदी के जरिए प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से संपर्क का सिलसिला जारी रखा है और वो भी अपने अनूठे अंदाज में। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी ये साबित करती है कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत को नई पहचान दे रहा है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत महज एक स्वास्थ्य योजना से कहीं अधिक है,
ये भारत के 50 करोड़ से अधिक कमजोर लोगों के लिए आशा की किरण है। ये स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाते हुए गरीबी और बीमारी के दुष्चक्र को तोड़ रहा है। इधर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के एक वर्ष पूरा होने पर उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना में प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। 40.86 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनवाए गए हैं और 1,919 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। 6.47 लाख लाभार्थियों ने अब तक इसका लाभ लिया है। सरकारी अस्पतालों की संख्या जहां 1,443 है, वहीं 876 निजी अस्पताल भी सेवाएं दे रहे हैं। जिन जनपदों ने सबसे अधिक फायदा लिया है उनमें बरेली, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ और अलीगढ़ शामिल हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको भी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। सीएम योगी ने कहा कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। 15 नए मेडिकल कॉलेज पर काम शुरू किया गया है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास जारी है। इन नए मेडिकल कॉलेजों में नए डॉक्टर मिलेंगे। जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंदर 1,18,00,000 2,300 से अधिक परिवार इस योजना से आच्छादित हैं, यानी 6 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 8,45,876 यानी लगभग 50 लाख से ऊपर लोगों को इस योजना से भी आच्छादित किया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं में पत्र, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्र और जो मैंने भी लाभार्थियों को पत्र लिखा था, जिन पत्रों के माध्यम से प्रत्येक उस परिवार के उन सदस्यों को 5 लाख रुपए के निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, वह पत्र हम लोग पहले ही आम जन तक पहुंचाने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई कि पत्र एक जाता है, स्वाभाविक रूप से किसी परिवार में 5 लोग हैं, किसी में 6 लोग हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 7 हैं, तो एक बार में एक पत्र का उपयोग केवल एक ही परिवार कर सकता है, एक ही व्यक्ति कर सकता है एक परिवार का। हर एक सदस्य को एक गोल्डन कार्ड भी जारी हो सके, इस दिशा में एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 45,29,482 गोल्डन कार्ड जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 1,79,604 गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं। गोल्डन कार्ड हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, यह हमारी सबसे बड़ी कसौटी होगी इस योजना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की दृष्टि। विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए हमीरपुर सदर विधानसभा 2028 के लिए मतदान का कार्य सुबह से ही प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन बारिश के चलते बूथों में मतदान करने वालों की संख्या कुछ कम दिखाई दी। लेकिन जैसे ही कुछ बारिश कम होती मतदान करने वालों की संख्याओं में इजाफा होने लगता। जागरूक मतदाता छाता लेकर अपना वोट डालते बूथों पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। हमीरपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा 5 अन्य पार्टियों के कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिनका फैसला जनपद हमीरपुर के 4,01,497 मतदाता करेंगे। जनपद हमीरपुर के सदर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए 256 मतदान केंद्रों के 476 बूथ बनाए गए हैं, जिसे पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में शांतिपूर्वक मतदान कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि 80 बूथों को मॉडल बूथ बनाया गया है और सभी बूथों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। 52 बूथों की वेबकास्टिंग का भी काम कराया जा रहा है। देखिए, आप अवगत है कि आज दिनांक 23 सितंबर को 228 हमीरपुर विधानसभा का उप निर्वाचन प्रारंभ हो चुका है। 7 बजे से 476 पोलिंग बूथ हैं। सब जगह पर सुचारू रूप और विधिवत रूप से मानकों के अनुरूप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके पहले मॉक पोल भी सुनिश्चित किया जा चुका है और 256 यहाँ पर टोटल केंद्र हैं। इन सभी जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि का देखते हुए और वोटर्स की सहूलियत और सुरक्षा भाव को देखते हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 85 मॉडल बूथ बनाए गए हैं एवं प्रत्येक बूथ पर सेल्फी पॉइंट भी रखा गया है। आप देख सकते हैं हम लोग के पीछे भी एक सेल्फी पॉइंट है और इसके साथ ही साथ जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं ये बूथों पर रखा गया है। वर्तमान में हल्की वर्षा जरूर हो रही है लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सभी मतदाताओं में मताधिकार के अपने प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से एक जोश भी है और सभी लोगों से अपील भी की गई है कि भारी संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रत्येक मतदाता प्रयोग जरूर हो। लखनऊ में 20 सितंबर से शुरू हुए विश्व शांति सत्संग के आखिरी दिन कल भक्तों की लंबी भीड़ देखने को मिली जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विश्व शांति के लिए निरंतर सत्संग कर रहे आचार्य संत श्री सुधांशु जी महाराज ने DD News से बातचीत करते हुए कहा कि विश्व जागृति मिशन द्वारा आयोजित इस समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़ने की ताकत प्रदान करना है जिसमें युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी बच्चे देखिए, हमारा देश युवा शक्ति से भरपूर है और सभी के मनों में बहुत कुछ करने की भावनाएं हैं। हम सभी को सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि युवा शक्ति यदि आगे बढ़ना चाहती है तो उसे अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन को जितना अपनाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें योजनाबद्ध तरीके से आगे जाना चाहिए, योजना बनाएं, नियमित रहें और सबसे बड़ी चीज़ है व्यवस्थित होना। जो व्यक्ति व्यवस्थित होकर चलता है, नियम से चलता है, योजनाबद्ध तरीके से चलता है, अनुशासित होकर चलता है, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ताज नगरी आगरा में नटरांजलि थिएटर आर्ट्स द्वारा आयोजित कला और संस्कृति का संगम 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव शुरू हो गया है। सकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल के प्रेक्षागृह में अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का शुभारंभ भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भवानी सिंह, राज्य महिला आयोग के सदस्य निर्मला दीक्षित और मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ताज रंग महोत्सव में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सर्बिया देश के कलाकार जहां अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भारत के 22 राज्यों के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के पहले दिन नेपाल और श्रीलंका के कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं, वहीं कई राज्यों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया। नटरांजलि थिएटर आर्ट्स के निदेशक और ताज रंग महोत्सव की आयोजिका अलका सिंह ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में एक ही मंच पर जहां विदेशी संस्कृति देखने को मिलेगी, वहीं भारत के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपने अपने राज्यों की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। वहीं राज्य महिला आयोग के सदस्य निर्मला दीक्षित ने कहा कि इस महोत्सव में कई देशों के कलाकार भाग लेने के लिए आए हैं। भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया को इस महोत्सव के द्वारा परिचित कराना एक बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर हमारे पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से जो कलाकार हैं वो तो अपनी प्रस्तुति देंगे ही, अपनी आंचलिक प्रस्तुति है नृत्य, नाटक और संगीत की। उसके साथ ही साथ हमारे एक ही मंच पर विदेशी संस्कृति भी देखने के लिए मिलेगी, जिनमें नेपाल के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के और सर्बिया के कलाकार भी अपने अपने यहाँ की बेहतर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। वी परफॉर्म्ड श्रीलंका ट्रेडिशनल डांस एंड इट मेनली इज फ्रॉम श्रीलंकन कैंडियन डांस एंड लो कंट्री डांस। इट मेनली शोज द ट्रेडिशंस ऑफ श्रीलंका। हमारे कलाकार रघुवंशी, उसने हमारे भरतनाट्यम में पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में और उम्मीद है अच्छी प्रोग्राम दिखाई उन्होंने, उसका कोई पुरस्कार भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। और साथ में उनका एक स्पेशल डांस है नेपाल का, ये क्लासिकल डांस है जैसे महाकाल डांस, वो बहुत हिस्टोरिकल और
जो अपनी संस्कृति है नेपाल का वो प्रस्तुत किया उन्होंने, और साथ में रोशना महाजन के साथ में एक फोक डांसर भी साथ में कर रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के देशों को आमंत्रित करके ये कार्यक्रम इतने बड़े मंच पर कराना, यानी कि भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराना और विश्व के पटल पर भारतीय संस्कृति को और संस्कारों को भेजने का ये अपने आप में बहुत अनूठा प्रयास है। उन्होंने बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हाथरस जिले में 58,000 से अधिक लाभार्थी हैं, जिनमें से 1200 से अधिक लाभार्थियों ने अपना इलाज कराया है। योजना के तहत इलाज कराने वाले लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना गरीबों के हित की है, इससे वो बड़े बड़े अस्पतालों में भी अपना इलाज मुफ्त में करा पा रहे हैं। एबीजी अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज कराने आई सुखदेवी ने बताया कि योजना से गरीबों के लिए बहुत सुविधा हो गई है, उनका इलाज फ्री में किया जाएगा और उन्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मरीजों के साथ मौजूद परिजनों ने भी योजना को बहुत अच्छा बताया। एसीएमओ नोडल आयुष्मान भारत डॉक्टर माथुर कुमार ने बताया कि करीब 1,231 लोगों ने योजना का लाभ लिया है, जिनमें से करीब 700 लोगों ने जिले में व करीब 500 लोगों ने अन्य जिलों राज्यों में इस सुविधा का लाभ लिया है। हमसे कोई पैसा नहीं लिया है और फ्री में इलाज हो रहा है। योजना बहुत बढ़िया लगी है, ये योजना बहुत अच्छी लगी है मोदी वाली। मेरा इलाज खूब बढ़िया तरीके से हो रहा है, बार बार देखने चेक करने सब आते हैं और बढ़िया से इलाज हो रहा है। पैसा एक भी नहीं लिया मुझसे, फ्री में इलाज हो रहा है ये कार्ड द्वारा। इस समय 58,000 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और लगभग 11,000 मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत हम लोग कार्ड बनाने हैं, जिसमें लगभग 25-30,000 परिवारों से कार्ड बने। सर ये लगभग हाथरस के लगभग 1100-1200 के मध्य हाथरस इसमें लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें हॉस्पिटल में 3 निजी सेक्टर में और 2 पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल हमारे एम्पैनल्ड। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने बाराबंकी में फिर मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया है। जनपद के सिरोली गौसपुर रामनगर फतेहपुर और रामसनेही घाट तहसीलों में घाघरा नदी से आने वाली बाढ़ से दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ग्रामीण तटबंधों पर ही रहने को विवश हैं। सबसे अधिक समस्या सिरोली गौसपुर क्षेत्र में घाघरा के किनारे बसे नौपुरवा माझा रायपुर पर सावल और छुरिया गांव के लोग ज्यादा प्रभावित देखे जा रहे हैं। गांवों में भरे बाढ़ के पानी से आवागमन के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं छुरिया ग्राम वासियों का आरोप है कि गांव की दुर्दशा देखकर अधिकारी भी यहां आना नहीं चाहते हैं। फिलहाल घाघरा नदी का विकराल रूप देखकर ग्रामीण दहशत में है। बाराबंकी जिलाधिकारी आदर्श सिंह का कहना है कि घाघरा उफान पर है, नदी का पानी खतरे के निशान से भी ऊपर है, साथ ही नेपाल में अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति गंभीर दिख रही है। बाढ़खंड और प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उधर इलाहाबाद मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग विंध्याचल के अकोड़ी के पास गंगा का पानी पहुंचा। अकोड़ी के पास स्थित पुलिया डूबी, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है, सवारी बसें व अन्य गाड़ियां दोनों खड़ी हैं। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 285 गांव में 138 मकान डूब गए हैं, जिन लोगों को सुरक्षित दूसरे घरों में पहुंचा दिया गया है। 7,010 हेक्टेयर भूमि फसल पानी में डूब गई है और गांव वालों की सुविधा के लिए 49 नाव और 18 मोटर बोट लगाई गई हैं, जिससे गांव वाले अपने सामान सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। अब तक 37 बाढ़ चौकी बनाई गई हैं, जिसमें 14 सदर में और 23 चुनार में बाढ़ चौकी काम कर रही हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। ह्यूस्टन में ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 वर्ष से देश के लिए चुनौती बने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक निर्णय किया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के एक वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। और हमीरपुर में सदर विधानसभा में उपचुनाव में मतदान शांति पूर्वक जारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के किए गए हैं चाक चौबंद व्यवस्था। 1 बजे तक 25% हुआ मतदान। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।